अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काईटेक में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। लेकिन अगर आपको भी अपडेट रहना है तो फिर स्काईटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक के सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में 11 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर 13,906 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जो सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहे थे, काम कर रहे थे। यानी कि मान लीजिए किसी का इकामा नहीं कंप्लीट है, किसी का इकामा एक्सपायर हो गया और वो यहाँ काम कर रहा है, या फिर कोई ऐसा है जो बॉर्डर क्रॉस करके आया है, या फिर कोई ऐसा है जो उमरा वीज़ा के ऊपर आया था सऊदी अरब में काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अरेस्ट करके उनको डिपोर्ट करके भेजा जा रहा है। तो ये तो बात हो गई अरेस्ट करके भेजने की। अब बात आती है कि अगर आपके रूम में कोई रह रहा है तो फिर आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अब इसकी बात शुरुआत करते हैं यहाँ से कि अगर कोई ऐसे इंसान की, ऐसे वर्कर की, ऐसे एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन देता है जो सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहा है तो उसे 50,000 रियाल का इनाम दिया जाएगा। अब सोच लीजिए कि आप अपने रूम में ही सेफ़ नहीं हैं, हो सकता है कि आपके साथ रह रहे लोग ही ये इन्फॉर्मेशन दे दे और आप पकड़ जाए। यानी कि मान लीजिए कि जो लोग सऊदी अरब में इलीगल तरीके से हैं, किसी भी तरीके से जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अब उन लोगों का सऊदी अरब में गुजारा नहीं है। सोच लीजिए कि 50,000 रियाल का इनाम तक रख दिया गया है अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो। अब मान लीजिए कि मेरे रूम में कोई है जो ऐसा है जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या वो भाग के काम कर रहा है किसी भी तरीके से, तो अगर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता हूँ तो 50,000 रियाल का इनाम, बताइए। तो इस तरीके से आप किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, आपके साथ रह रहे लोग भी आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अब यही लास्ट चांस यही है कि जो लोग इलीगल तरीके से हैं वो लोग अपने घर चले जाएँ, जैसे हो सके वो लोग अपने घर चले जाएँ, अब उनका यहाँ पर गुजारा नहीं है। अच्छा, ये तो बात हो गई अरेस्ट होने की और इनाम की। और अब बात आती है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर रहे हैं जो इलीगल है सऊदी अरब में, जो गैरकानूनी तरीके से रह रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अगर कोई ऐसे इंसान की हेल्प कर रहा है ना तो वो भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 23 ऐसे लोग अरेस्ट किए गए हैं, 23 ऐसे लोग अरेस्ट किए गए हैं जो लोग इलीगल लोगों की हेल्प कर रहे थे। मान लीजिए कि मेरे रूम में कोई रह रहा है साथ में मेरे और मेरे साथ खाना पीना खा रहा है, तो ये हेल्प ही हुई। मैं उसके साथ रह रहा हूँ, उसको अपने रूम में रखे हूँ, तो ये एक हेल्प ही हुई। या फिर आप उसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसकी हेल्प करते हैं, तो भी आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे और आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इस तरह से अब यही साबित होता है कि सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रहना लगभग नामुमकिन हो गया। वो पहले कोई और ज़माना था कि लोग उमरा वीज़ा पर आते थे और लाखों कमा के 3-4 साल रुक के वापस चले जाते थे, अब वो ज़माना गया। अब सऊदी अरब में इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। दोस्तों अगली अपडेट है हमारी मरूर की तरफ से, सऊदी अरब के ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से। बताया गया है कि अगर किसी के ऊपर ट्रैफिक वायलेशन से रिलेटेड कोई फ़ाइन है, चाहे वो सीट बेल्ट की हो, चाहे वो स्पीड की हो, चाहे वो सिग्नल की हो, किसी भी तरह की अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन से रिलेटेड फ़ाइन है किसी के इकामा के ऊपर चाहे किसी सऊदी के ऊपर, अगर वो फ़ाइन 2 महीने तक जमा नहीं की जाती है तो वो फ़ाइन डबल हो जाएगी। मान लीजिए कि जो सिग्नल की फ़ाइन है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सिग्नल की फ़ाइन आपके ऊपर 1,000 रियाल है और आपने उसे 2 महीने तक की पेमेंट नहीं किया, तो फिर आपकी वो फ़ाइन 1,000 से 2,000 हो जाएगी। तो मुश्किल हो जाएगी ना, इसे फ़ाइन ही डबल हो जाएगी। तो अगर किसी के ऊपर फ़ाइन है तो वो जल्दी से जल्दी उसको जमा करने की कोशिश करे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सही जानकारी है जो लोग सऊदी अरब में अपनी गाड़ी चलाते हैं या फिर जिनकी खुद की जिम्मेदारी रहती है गाड़ी चलाने में, तो उनको खुद ही फ़ाइन भरना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फ़ाइन डबल भी हो सकती है। तो अगर किसी के ऊपर फ़ाइन है तो वो जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करे। दोस्तों अगली अपडेट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हज ने बताया है कि जो मस्जिदुल नबवी है उसमें नमाज पढ़ने की तो इस टाइम पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन ये जो नोबल रौदा है यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रौज़ा है जहां अंदर जाके जो लोग नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, तो वहां नमाज़ पढ़ने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, चाहे आप एतमरना एप्लीकेशन से लें, चाहे आप तवक्कलना एप्लीकेशन से लें। आप देख सकते हैं तवक्कलना एप्लीकेशन में इसका ऑप्शन दिया गया है, प्रेयर इन द नोबल रौदा मैन, यानी कि औरत और आदमी दोनों को अलग अलग अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन इसमें दिया गया है।
तो एक महीने में आप सिर्फ एक बार ही अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। अगर कोई मदीने के आसपास रहता है और वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वो एक महीने में सिर्फ़ एक बार ही वहाँ पर नमाज़ पढ़ पाएगा। बाकी जो मस्जिद है उसमें आप बिना अपॉइंटमेंट के नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन इस जगह पर आपको नमाज़ पढ़ने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है जहाँ नफिल नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वहाँ की हम बात कर रहे हैं। और यही मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से एक और अपडेट है कि जो हजर अस्वद है उसको चूमने की इजाज़त दे दी जाएगी अगले हफ्ते से, ऐसा बताया गया है। और जो मक्का शरीफ में जो तवाफ़ करने की जगह है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर करके, तो जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है उनको तवाफ़ के लिए ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि आप बुकिंग करके सिर्फ़ और सिर्फ तवाफ़ करने वहाँ पर जा सकेंगे और फुल कैपेसिटी में लोग वहाँ पर उमरा भी कर पाएंगे। ऐसा अगले हफ्ते से लगभग लगभग खोल दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में जो कोरोना के केसेस हैं वो घटते ही जा रहे हैं। बताइए पिछले 24 घंटे में सिर्फ 31 केस आए थे कोरोना के, तो इसी वजह से धीरे धीरे हर चीज़ में ढील दी जा रही है। ख़ासकर मिनिस्ट्री ऑफ हज जो है वो इस चीज़ में ढील दे रही है, क्योंकि इनकम वहाँ से बहुत ज़्यादा होती है सऊदी अरब की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों एक बात और आपके साथ शेयर करनी थी कि ये जो मेरा स्काई टेक चैनल है मैंने इसे बनाया था मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, यानी कि लाइक वीडियो एडिटिंग हो गई या किसी एप्लीकेशन के बारे में हो गया, इस तरह से मैंने वीडियोस बनाने के लिए इस चैनल को बनाया था। लेकिन सऊदी अरब के टॉपिक्स मिलने के बाद में मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दिया। अगर आप लोग कहेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड या फिर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए, या फिर काइन मास्टर से रिलेटेड या फिर काइन मास्टर के जितने और एप्लीकेशन हैं उनके ऊपर कैसे वीडियो एडिटिंग करना है स्लो मोशन की स्पीड में, उन सारी चीज़ों के ऊपर उन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों को बना के दे सकता हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो वीडियो बना देंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।